कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जहां कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि जो घोषणा पत्र है वह महज दिखावा है, कभी चाय वाला कभी चौकीदार कभी फकीर के नारों के साथ ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों और रोजगार के लिए भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, बीते 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी रही है। आप कहीं अलग अलग रूप में देश के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा कभी चाय वाला कभी चौकीदार कभी फकीर कभी कुछ कभी छोड़े वाला। ठीक है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये आपके हट करने गिमिक्स चलने वाले नहीं है। और जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अब होगा न्याय।